हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और अभी 10:30 या 40 बज चुके होंगे और मैं अभी इस तरह से रेडी हो चुकी, सब कुछ कपड़े वगैरह धो के रख दिए हैं, सॉरी धो लिए और सुखाने के लिए भी डाल दिए। और यहाँ पे एक कौवा है जो खाओ खाओ कर रहे हैं। तो ये देखो फूल, देखो कितने अच्छे से खिल गए हैं यहाँ पर। ये वाले ना बहुत ही अच्छे लग रहे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे। और यहाँ पे ये गुड़हल का फूल भी देखो यहाँ पे आने वाला है, थोड़ी देर के बाद ही आ जाएगा। तो जब फूल खिल जाएंगे ना तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो आज वैसे ट्यूसडे है बट हमने फिश लाए है, तो आज फिश की करी बनने वाली है और फिश फ्राई बनने आने वाले हो। और ये बाकी का आपको दिखा दूँगी बाद में। और दो तीन दिन से थोड़ा सा बिजी थी, कल थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसकी वजह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। तो आज मुझे ठीक लग रहा है तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो आज ब्लॉग बना देती हूँ। तो ये जो DIY है, ये वाला, ये बॉटल का DIY है, वो आप लोगों को कैसे लगा अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वीडियो को देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा ये। और यहाँ पर इसको अभी ना फूल भी आ गए थे, यहाँ पर देखिएगा ये अभी सूख गया है बट कल इसको अच्छे से फूल आ गए थे, ये देखो। और यहाँ पे अभी कलियाँ भी आ रही है, छोटी छोटी कलियाँ भी है। तो आप इस तरह से बॉटल का यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से बन जाता है। इसमें आप पुदीना भी लगा सकते हो, वो भी अच्छे से मतलब ग्रो हो जाता है। तो आज का वेदर देखो, ये वेदर इस तरह से है। और यहाँ पे मेरे किचन में अगर आपने किसी ने नहीं देखा होगा तो ये देख लीजिएगा, ये है मनी प्लांट, ये भी अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये देखो ये नए वाले यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे देखो जो नए वाले पत्ते होते हैं ना वो पूरे ग्रीन दिखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और किचन में जब से मनी प्लांट आया ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। तो अगर मेरे किचन का वीडियो अगर आपने देखा नहीं होगा ना तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ये इस तरह से यहाँ पे सारे मैंने करके लिया है, वहाँ पे ऊपर की तरफ से भी मुझे करना है बट उनको थोड़ा सा सामान नहीं मिल पा रहा है तो इसकी वजह से वो बाद में काम करने वाले हैं। तो वो भी मैं आपके साथ जब काम हो जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा काम है वो काम कर लेती हूँ और बाद में आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िश करी बना रही हूँ, ये देखिएगा ये फ़िश है इस तरह का। मैं थोड़े से ही फ़िश इसमें करी में डालूँगी और बाकी के फ्राई करने वाली हूँ। तो ये जो फ़िश है वो समुद्र फ़िश है, बहुत ही टेस्टी फ़िश होता है ये। करी रेडी हो चुकी है और अभी मैं यहाँ पे फिश जो है वो फ्राई करने के लिए रख दिए हैं, तो मैंने आपको दिखाया भी है। और अभी तो लॉकडाउन है, वैसे आप लोग क्या कर रहे हो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और यहाँ पे ये जो पौधा है ना, ये वाला, ये उस दिन कल या परसों हमने लगाया, मतलब मैंने नहीं लगाया, मेरे हस्बैंड ने लगाया, ये इस तरह से है। और यहाँ पर देखो ये कितने अच्छे से फूल आ गए हैं इसको, यहाँ पे ऊपर भी आ चुके हैं, यहाँ पे भी आ चुके हैं, यहाँ के चले गए हैं। और अभी यहाँ पे मेरी सासू माँ है, वो भाकरी बना रही है। तो अब उनकी जो भाकरी होती है ना वो बहुत ही अच्छे से वो बनाती है, मतलब सारी भाकरी होती है ना वो सारी की सारी वो अच्छे से फूल जाती है, पूरी फूल जाती है। तो इसलिए मैं उनको ही बोलती हूँ कि आप भी भाकरी बना दो, क्योंकि मुझे उनके ही हाथ की भाकरी जो है वो पसंद आती है, तो इसकी वजह से वही अभी बना रही है। और वो एक्चुअली संडे को आई थी, मैंने कोई उस वक्त शूट नहीं किया था, तो मैं बाद में आपको दिखा दूंगी मेरी सासू माँ को भी। तो ये देखिएगा ये भाकरी अच्छे से अभी फूल गई है,
ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। और अभी शाम का वक्त है और मैं यहाँ पे अपने पौधों को पानी डाल रही हूँ, क्योंकि सुबह के वक्त मैं उनको पानी नहीं दिया था, तो अभी मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पानी ही डालती हूँ पौधों को, क्योंकि कुछ पौधे हैं ना वो थोड़े से सूख जाते हैं, तो इसके वजह से उनको पानी डाल दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे किचन में आई हूँ, और किचन में मैं यहाँ पे अभी ना जो अप्पे होते हैं ना, स्वीट अप्पे होते हैं ना, उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मूँगफली है, उसको भून रही हूँ। वैसे सुबह मैंने अप्पे बनाए थे, बट वो सिंपल वाले अप्पे होते हैं ना, वही बनाए थे। तो अभी मैंने सोचा कि चलो शाम के टाइम पर मैं स्वीट अप्पे बना देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी स्वीट अप्पे पसंद है, तो इसकी वजह से मैं अभी यहाँ पर स्वीट अप्पे बना रही हूँ। तो बस उसी का ये बैटर तैयार कर रही हूँ, और इसमें मैंने थोड़ा सा जो नमक था ना वो थोड़ा सा कम था, तो इसकी वजह से नमक डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे जो गुड़ होता है वो डाल रही हूँ। तो ये रेसिपी है वो मैंने पहले से ही शेयर कर दी है, तो इसकी वजह से मैं अभी रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ आपको, बस सिंपल ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो बस अभी ये जो बैटर है वो अभी रेडी हो गया है, और अभी मैं यहाँ पे अप्पे बना रही हूँ। तो ये अप्पे जो है ना वो एकदम फटाफट से हो जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती। और अप्पे खाने के बाद यहाँ पे मेरी सासू माँ है, वो जो कोकोनट और मतलब मैंगो कोकोनट की बर्फ़ी होती है ना वो बना रही है। तो इसकी रेसिपी मैं इतना शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, तो इसकी वजह से सारा सब कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पे मेरा हस्बैंड भी हेल्प कर रहा है उसको भी। तो ये एक सिंपल सी बर्फ़ी बनती है, बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाती है, ये एकदम स्वीट सी बनी थी, बहुत ही अच्छे से बन गई थी। तो इसकी भी रेसिपी आप यूट्यूब पर देख लोगे तो ये मिल जाएगी रेसिपी। तो ये इस तरह से बर्फ़ी बन चुकी है, और आज के व्लॉग में गाइस इतना ही। यहाँ पे देखिएगा ये जैक फ्रूट भी लाया है, तो मैं इस वीडियो का भी यहीं पर एंड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।